वेरी गुड मॉर्निंग क्लास आवर यू आर होप यू आर गुड इन जॉइंग और स्टडीज दिस इज अ कंप्यूटर सब्जेक्ट सो टेकआउट यूर कंप्यूटर बुक एंड ओपन पेज नंबर फोर्टी टू बच्चों हम लोग कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ रहे हैं प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना कंप्यूटर माउस क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं हम लोगों ने थ्री टाइप्स के बारे में डिस्कस भी किया था फर्स्ट इज़ टू माउस बटन इसमें टू बटनस होते हैं सेकंड इज़ थ्री माउस बटन इसमें थ्री बटनस होते हैं और थर्ड इज स्क्रोल माउस स्क्रोल माउस में यहाँ पर बच्चों व्हील का यूज किया जाता है आइए बच्चों आगे देखते हैं ए स्क्रोल माउस इज ऑफ टू टाइप्स स्क्रोल माउस के बच्चों कितने टाइप्स होते हैं टू टाइप्स होते हैं फर्स्ट इज बॉल माउस इट हैज ए वॉल अंडर साइड वेन द वॉल ऑन द माउस पैड द माउस पॉइंटर पॉइंट मूव्स ओके बच्चों हमारा ये जो बॉल माउस होता है इसके अंडर साइड में बॉल लगे होते हैं जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे ये बॉल है यही बॉल बच्चों जब माउस पैड पे मूव करता है तो हमारा माउस पॉइंटर अपने आप ही मूव करने लगता है ऑन द मॉनिटर स्क्रीन ओके सेकेंड टाइप इज ऑप्टिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस हैज़ ए रेड लाइट इंस्टेट ऑफ ए बॉल बच्चों ऑप्टिकल माउस और बॉल माउस में यही डिफरेंट है कि ऑप्टिकल माउस में ये बॉल नहीं होते हैं उसके स्थान पर उसकी जगह पर क्या यूज होता है रेड लाइट का यूज होता है बेटर देन बॉल माउस हमारा जो ऑप्टिकल माउस है ये बेटर है किससे बेटर है वॉल माउस से ओके स्टूडेंट ओके बच्चों तो हमारे स्क्रोल माउस के टू टाइप्स हैं फर्स्ट इज वॉल माउस एंड सेकेंड इज ऑप्टिकल माउस देन क्या टॉपिक है माउस पैड माउस पैड इज अ सरफेस फॉर प्लेसिंग एंड मूविंग अ कंप्यूटर माउस इट प्रोवाइड्स स्मूथ कर्सर मूवमेंट फॉर ए माउस देन ए डेस्क टॉप और अदर सरफेस ओके बच्चों माउस पैड क्या होता है बच्चों जहाँ पर हम अपने माउस को रख कर वर्क करते हैं वही हमारा माउस पैड होता है ऐसी सतह होती है जहाँ पर हम माउस को रख कर माउस का यूज करते हैं इट प्रोवाइड्स स्मूथ कर्सर मूवमेंट फॉर ए माउस देन ए डिस्क टॉप और अदर सरफेस ओके बच्चों अगर हम माउस पैड पे अपना माउस नहीं रखेंगे और अदर किसी प्लेस पे रखेंगे तो हमारा जो माउस का पॉइंटर होता है वो स्मूथली रन नहीं करेगा स्मूथली मूव नहीं करेगा इसलिए माउस को रखने के लिए माउस पैड होना नेसेसरी है ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा नेक्स्ट वीडियो में होल्डिंग एंड मूविंग द माउस इसके बारे में बताया जाएगा कि हम माउस को कैसे पकड़ते हैं हमें माउस को कैसे पकड़ना चाहिए और कैसे मूव करना चाहिए ओके किड्स देखते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर सेकंड टिक द करेक्ट आंसर फर्स्ट इज ए माउस इज यूज्ड टू माउस का यूज किस लिए करते हैं सेलेक्ट एंड आइकन के लिए करते हैं ओपन एंड आइकन के लिए करते हैं तो इसलिए बच्चों हम दोनों के लिए करते हैं तो हम फर्स्ट में कहाँ पर टिक करेंगे वो था दीज सेकेंड वीच ऑन ऑफ द फॉलोइंग हेल्पर्स मूव अप एंड डाउन पेज पेज पर ऊपर और नीचे करने के लिए हम कौन से माउस का यूज करते हैं तो बच्चों हम स्क्रोल विल का यूज करते हैं थर्ड ए स्क्रोल माउस है स्क्रोल माउस क्या होता है बच्चों व्हील होता है पहिए की तरह होता है स्मॉल व्हील होता है फोर दिस इन डबल क्लिक माउस बटन इज प्रेस्ड जब हम माउस को डबल क्लिक करते हैं तो उसके लिए हम माउस को कितनी बार प्रेस करते हैं ट्वाइस दो बार नेक्स्ट पेज ओके बच्चों तो ये हमारा थर्ड एक्सरसाइज है इसमें आपको ट्रू फॉल्स करना है फर्स्ट इज माउस इज यूज टू सेलेक्ट एन आइटम माउस का यूज हम आइटम को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं यस सेकेंड कंप्यूटर माउस हैज फोर नो कंप्यूटर माउस के मैक्सिमम थ्री बटन्स ही होते हैं तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस क्या होगा बच्चों फॉल्स थर्ड इन सिंगल क्लिक यू कैन प्रेस द माउस बटन वन सिंगल क्लिक के लिए हम माउस को वंस एक बार प्रेस करते हैं यस नंबर फोर बॉल माउस है जे रेड लाइट अंडर साइड नो बॉल माउस में रेड लाइट नहीं होती है ऑप्टिकल माउस में होता है अभी हम लोगों ने पढ़ा है इट मीन्स हमारा ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों फॉल्स होगा लास्ट चीज स्क्रोल व्हील हेल्प्स यू टू मूव एंड डाउन अ पेज यस हमारा जो स्क्रोल व्हील माउस होता है वो क्या करता है पेज पर ऊपर नीचे आने जाने का वर्क करता है इस मीन्स हमारा ये सेंटेंस क्या होगा राइट और राइट के लिए हम टी का यूज करेंगे आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा डेट मेंशन कर लीजिएगा ओके थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में